मेरी रेसिपी की रेगुलर अपडेट के लिए मेरी YouTube चैनल जस्ट इट राइट को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। हेलो मेरे फूडी फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष्का और आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती स्वीट डिश मोहनथाल। खासकर दिवाली के त्यौहार में या तो ठंडी की सीजन में बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे मोहनथाल की रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से बताई है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम एक कटोरी बेसन लेंगे। ये बेसन जो हम लेंगे वो जाड़ा मोटा रहेगा। उसमें हम एक चम्मच दूध मिलाएंगे। दूध को हल्का सा गर्म करके ऐड करना है। उसमें हम एक चम्मच देसी घी मिलाएंगे। अब इन तीनों चीजों को हमें चम्मच से अच्छी तरह मिलाना है। चम्मच से अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें उसे हाथ की मदद से मिक्स करना है। सब अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें बड़े लम्स ना रहे, ऐसे उसे मिक्स करना है। तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम अभी 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम एक बर्तन लेंगे और एक छन्नी लेंगे। छन्नी में हम तीन चीज़ों का जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसे हम लेंगे। इस मिक्सचर को हमें छान लेना है। इस प्रोसीजर को गुजराती में धापो देवानो बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोहनथाल के दाने बड़े आए तो आप बड़े होल वाला छन्नी लीजिए। यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ के होल वाला छन्नी है जो मैंने यूज़ किया है। या तो आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से मिक्सचर को छान लीजिए। अगर आपको इस प्रोसीजर को स्किप करना है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको छन्नी से छानना नहीं है तो आप ब्लेंडर में इसे 20 से 25 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लीजिए। हम यहाँ पे मोटा बेसन यूज़ कर रहे हैं तो मोहनथाल दानेदार ही बनेगा। ब्लेंडर में ब्लेंड करने से भी दानेदार मोहनथाल ही बनेगा। पर आप ध्यान रखिए कि इसे 20 से 25 सेकंड ही ब्लेंड करना है। मिक्सचर को छन्नी से छान लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन मिक्सचर के कैसे दाने बने हुए हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में आधा कटोरी देसी घी लेंगे। घी में हमें छाना हुआ मिक्सचर ऐड करना है। इस मिक्सचर को हमें धीमी आंच पे रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय हमें मिक्सचर को कंटिन्यूस चम्मच की सहायता से घुमाते रहना है। यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है जिसे रोस्ट करने के लिए अंदाजे से 15 से 20 मिनट लगेंगे। मिक्सचर रोस्ट करना शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। मिक्सचर को हल्का सा ही ब्राउन कलर करना है। जब बेसन से कच्चापन चला जाए और अच्छी खुशबू आने लगे तब समझो कि बेसन पक गया है। जैसे ही हम चम्मच घुमाते रहेंगे थोड़ी देर में घी छूटना शुरू हो जाएगा। जब घी छूटना शुरू हो जाएगा तभी हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे। अब इस बेसन के मिक्सचर को हमें साइड पे कर देना है। फ्लेम से उतारने के बाद उसे कंटिन्यूस 3-4 मिनट
मिक्स करते रहें। अब हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कटोरी चीनी लेंगे। चीनी में हम चीनी डूब जाए उतना पानी ऐड करेंगे। चाशनी को हमें धीमी आंच पे बनाना है। चाशनी में हम 7 से 8 केसर की स्ट्रैंड्स डालेंगे, जिससे कलर और सुगंध अच्छी आएगी। यहाँ पे एक तार की चाशनी बनानी है। अगर आप नॉर्मल शुगर यूज़ करते हो तो जब तक वो शुगर पिघल जाएगी तब तक एक तार बन चुका होगा। जब आप चाशनी को चम्मच से गिराएंगे तभी एक एक ड्रॉप अगर गिरता है बन चुकी है। अगर आप चाहो तो उंगलियों की सहायता से चेक कर सकते हैं। इस चाशनी को हमें बेसन के मिक्सचर में ऐड करना है। हमें सब अच्छे से मिला देना है और थोड़ी देर के लिए इसे आप मिक्स करते रहें। 4 से 5 मिनट उसे हिलाते रहिए ताकि मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए और सब चीज़ें अच्छे से मिल जाए। अब हमें आधा चम्मच इलायची पाउडर मिलाना है। सब अच्छे से मिला लें। हमें मोहनथाल को सेट करना है। आप एक ट्रे ले लीजिए। ट्रे को ऑयल से ग्रीस करना है। ट्रे में बेसन मिक्सचर ट्रांसफर कर देना है। फ्लैट चम्मच की सहायता से आप उसे एक सरीखा स्प्रेड कर दें। अब हमें मोहनथाल को बादाम और पिस्ता से गार्निश करना है। ड्राई फ्रूट को हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा दबा देंगे। अब बने हुए मोहनथाल को हम आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम मोहनथाल के पीसेस करने के लिए उसे काट लेंगे और वापस उसे साइड पे रख देंगे। सेट करने के लिए आप इसे ढक के रखें। ढक्कन लगाने के बाद मिनिमम इसे 6 घंटे या तो ओवरनाइट सेट होने दें। 6 घंटे के बाद आप मोहनथाल को छुरी की सहायता से काट के अच्छे से पीसेस बना लीजिए। पंद्रह दिन तक मोहनथाल को आप स्टोर कर सकते हो। ये देखिए आपका लाजवाब दानेदार मोहनथाल तैयार है। ये खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्वीट डिश है। मोहनथाल को आप स्टील के डब्बे में या कांच की बॉटल में स्टोर करें। मेरी मोहनथाल की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट ईट राइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।